हेलो दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लक्स। रिफ्लक्स वैसे लेबोरेटरी केमिस्ट्री में अगर आप R&D लैब में कहीं पे काम कर रहे होंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स वर्ड सुनने में आता होगा। सबसे पहले हमें मालूम नहीं होता रिफ्लक्स होता क्या है, तो सारी प्रॉब्लम को सोच कर समझ कर सारी प्रॉब्लम को समझते हुए मैं आप लोगों के सामने रिफ्लक्स ले आया। सबसे पहले रिफ्लक्स समझने से पहले हम समझते हैं इसमें क्या रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इसमें देखिए क्या होता है, हीटिंग सोर्स होता है, हीटिंग मीडिया होता है, सॉल्वेंट होते हैं, एक बीकर होता है, कंडेंसर होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हीटिंग सोर्स होता है। दूसरा क्या होता है, बॉटल होता है, या तो आप RB राउंड बॉटम फ्लास्क ले सकते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर को थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, और कंडेंसर होता है। ये फोर बेसिक रिक्वायरमेंट है टू सेफ। इसके अलावा आपको सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए वो डिपेंड करेगा और रिएक्शन में कैसा नीड है। ठीक है, अब हम इसके समझते हैं क्या पर्पज होता है। इसका मेन पर्पज जो रिफ्लक्स का होता है, अगर आप रिफ्लक्स से बेस पर जाएं तो ये लैटिन वर्ड एक होता है, एक लैटिन वर्ड होता है जो क्या होता है, रिफ्लक्सस, जिसका मीन्स होता है फ्लो बैक, दोबारा से प्रवाहित होना, दोबारा से फ्लो होना। तो इसमें जो किया जाता है रिफ्लक्स में, जो यहाँ सॉल्वेंट लिया जाता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वापस ये इसको वेपर के फॉर्म में जाता है, फिर कंडेंस होकर वापस आ जाता है। वो जो सॉल्वेंट वापस आता है दोबारा रीयूज होता है, और जो होता है टेम्परेचर फिक्स करता है। तो इसका जो पर्पज होता है, ये थर्मली टेम्परेचर, थर्मली मतलब तापीय रूप से थर्मली टेम्परेचर, थर्मली रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और किससे, विद लिमिटेड अमाउंट, विद लोवेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मिनिमम अमाउंट से रिएक्शन को थर्मली एक्सेलरेट करने के लिए जो भी यूज किया जाता है उसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। रिफ्लक्स में क्या होता है, सॉल्वेंट वेपर के फॉर्म में गया, ठीक है, इसको हीटिंग किया, सॉल्वेंट वेपर के फॉर्म में गया, वापस कंडेंस होकर सॉल्वेंट के फॉर्म में आया, इसको फिर से हम रीयूज करते हैं। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। रिफ्लक्स के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो आप टेम्परेचर रखेंगे वो टेम्परेचर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लगभग इक्वल होना चाहिए, उससे कम नहीं, ये कंडीशन होना चाहिए। लेकिन DMF इन सब के केस में क्या होता है, इससे DMF का 154 होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इससे कम टेम्परेचर पर भी आप इसको करा सकते हो रिफ्लक्स। हम इसके बाद इसमें समझते हैं इसके क्या क्या और मिस्टेक होते हैं इसमें। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हीटिंग सोर्स होते हैं, हीटिंग सोर्स क्या क्या यूज होते हैं। हीटिंग सोर्स ऑयल वाश यूज होते हैं, या तो वाटर वाश, या हीटिंग मेंटल यूज होते हैं। मेनली ये तीन यूज होते हैं, कभी कभी सैंड बॉक्स भी यूज होता है। इन सबको हम अलग से वीडियो में समझाएंगे आपको, हम आगे समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं वो ध्यान दें। पहला मिस्टेक ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ओवर हीट, ओवर फिलिंग, ओवर फिलिंग ऑफ सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपका ये आरबी है इसके 2/3 से ज्यादा, 2/3 वॉल्यूम से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, 2/3 वॉल्यूम से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बम कर सकता है। सेकेंड कंडीशन होता है ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए, ओवर हीटिंग मीन्स ओवर हीटिंग ऑफ सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, आप समझना। ओवर हीटिंग ऑफ सॉल्वेंट का मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट से लगभग 2 to 5 डिग्री, 5 to 10 डिग्री से ज्यादा आप ऐसे मत रखिए, ठीक है। लेकिन एल्कोहल, मेथेनॉल, एथेनॉल के केस में आप 10 to 20 डिग्री का आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा का आप टेम्परेचर मत रखिए। ओवर हीटिंग होने पर वो बम कर सकता है और ओवर फ्लो होने लगेगा। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप रिफ्लक्स कराना चाह रहे हो तो स्टीयरिंग होना चाहिए, स्टीयरिंग होना चाहिए। स्टीयरिंग नहीं होगा ये एक प्रॉपर तरीका नहीं माना जाएगा, वो स्टीयरिंग होना चाहिए। मैग्नेटिक पैलेट क्या होता है, उसको रोटेट करते रहना चाहिए, ये होना चाहिए। और मैं आपको दोस्त
दोस्तों बताओ, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा हीटिंग सोर्स के बारे में आएगा। किसके बारे में? हीटिंग सोर्स यूज सोर्सेस यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें हम आपको ऑयल बाथ, इसका लिमिटेशन, दूसरा हम बताएंगे वाटर बाथ, इसका लिमिटेशन, सैंड बाथ, हीटिंग विंटर और सॉल्ट बाथ के बारे में बताएंगे। सॉल्ट बाथ के बारे में बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट बाथ है, ध्यान देना। तो हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि हम दिवाली के बाद 6 नवंबर टू 10 नवंबर तक हम 5 डेज का एक फ्री वर्चुअल वेबिनार रख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस सबसे पहले रिफ्लक्स के बारे में, रिएक्शन कैसे सेटअप करते हैं, प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हम आपको बताएंगे रिक्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन में सिंपल फ्रैक्शनल और वैक्यूम डिस्टिलेशन, इतना बताएंगे कॉल। और उसके बाद यहाँ पर क्रोमैटोग्राफी आपको बताएंगे। क्रोमैटोग्राफी में हम आपको बेसिक से बताएंगे, बेसिक टू एडवांस बताएंगे, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, हाई एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के बारे में आपको बताएंगे, हीटिंग सोर्स के बारे में बताएंगे, हीटिंग सोर्स कौन से यूज होते हैं, इसके अलावा ड्राइंग एंड प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अलावा लैब में यूज होने वाले, लैब में लेबोरेटरी केमिस्ट्री में जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, वर्चुअल वेबिनार से हमसे जुड़ने के लिए 7703912119 पर मुझे व्हाट्सएप करना होगा। और ये वेबिनार होगा, ये जूम ऐप से होगा, जूम ऐप पर हम आपको जोड़ेंगे, जूम ऐप से होगा, ठीक है। तो आप जरूर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें बतानी होंगी अपने बारे में। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना नेम बताना होगा, किस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं उसको आपको बताना होगा, अपना ईमेल आईडी बताना होगा, ये तीन चीज आपको बतानी होंगी। बाकी मोबाइल नंबर मेरे पास रहेगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको ये वेबिनार में अटैच करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। 5 डेज का रहेगा, आप इसमें जरूर जुड़ेगा, आपको जरूर आपको कॉन्सेंट्रेट होगा। इवन इसके अलावा अगर आप किसी पीएचडी स्टूडेंट है, कोई लैब से जो भी कोई काम है, कोई ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे जरूर प्रॉब्लम क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे उस समय वेबिनार के दौरान आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।